चेयरमैन की गिरफ्तारी पर शुएब शेख की वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, पहले भी मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा, तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, मेरा बेटा हक पर है, इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी, मेरा बेटा बाइज्जत बरी होकर घर आएगा। कोच चेयरमैन बोल की वालिदा ने खबरदार किया कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। ये कहूंगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े, मेरे बेटे तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना, जिस तरह मेरे बेटे के साथ सलूक किया, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा। अल्लाह ना करे मेरा बेटा सर झुकाए, हाँ अगर मुजरिम होता तो झुकाता, लेकिन उसको तो कोई चीज का पता ही नहीं है जो इस तरह किया है जिन्होंने, तो कैसे सर चुकाया जाए? बेटा आप खुद समझदार, बिल्कुल सही कर रहा है, जो पूरा हमला जो मेरे बेटे के साथ खड़ा है, अल्लाह उनको खुश रखे और मेरे बेटे को बाइज्जत तरीके से ये लोग छोड़ दे। मैं ये कहना चाहती हूँ जुल्म और ज्यादती नहीं करें, इसका अंजाम बुरा है, अल्लाह ताला उनको खुद उसकी सजा देगा कि जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा, इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा, लेकिन पीर तक जो FIA में रखना है तो वो वहाँ अगर उसको कोई तकलीफ दी या कुछ जोर किया तो फिर उसकी जिम्मेदार FIA होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आजादी जाहिर राय पर दहशत गर्दी है, शदीद अमला है। 8-9 साल बाद ये FIA दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में दो दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। बाकी बरादरी अगर आपस में मुतहद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफत जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो कोई ना कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निजाम है वो कुफर का तो चल सकता है मगर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।